तो गाइस स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे न्यू एडिटिंग वीडियो में। तो आज के इस एडिटिंग वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के मदद से बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट पे फोटो एडिटिंग कर सकते हो, वो भी बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसान तरीका से। तो अगर आप लोग इस एडिट को सीखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो कम्प्लीट देखे, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए ले चलते आप लोग को अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा, और यहाँ पे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद इसमें फोटो को ऐड करना है। तो यहाँ पे एडिट ए फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जो भी फोटो को आप लोग को एडिट करना होगा सिंपली उसको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से हम इस फोटो को ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे ऐड करने के बाद देख सकते हो एडिटिंग का भी ऑप्शन आ चुका है, और बिफोर फोटो कैसा है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना है, और टूल्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एडजस्ट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। और एडजस्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद ना क्या करना है आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो सेचुरेशन वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से इसको कर देंगे -100। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करना है, ऊपर आप लोग को मिल जाता है कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन, तो इसको हल्का बढ़ा देंगे जैसे कि +31 के राउंड, और यहाँ पे क्लियरिटी को भी हल्का बढ़ा देंगे +12 के राउंड। ठीक है भाई, और इतना कर लेने के बाद आप लोग को हाईलाइट को कर देना है यहाँ पे -57 या फिर 50 के राउंड कर दीजिएगा। ठीक है भाई, उतना करने के बाद आप लोग को यहाँ पे इरेज वाले ऑप्शन पे जाना है, और इरेज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे गौर से देखिए, सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो जो बॉडी के पर्सन पे जो रहेगा ब्लैक एंड वाइट वो हट के बैकग्राउंड में चला जाएगा। उसके बाद आप लोग को कर देना है यहाँ से डन, और डन कर देने के बाद आप लोग को फिर से कर देना है डन, और देख सकते हो यहाँ पे बिफोर और आफ्टर यहाँ पे अभी तक इतना चेंजिंग हो चुका है फोटो में। उसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे PNG सबको ऐड करना है, तो आप लोग ध्यान से देखिए तो ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे चले जाना है, और ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले बटरफ्लाई का PNG को ले लेंगे। ठीक है, तो ये रहा बटरफ्लाई का PNG, सिंपली इस PNG को ले लेंगे, और सारा PNG का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है भाई, उसके बाद बटरफ्लाई को कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है, और अपने जो बॉडी का पार्ट होगा अपना जो मॉडल होगा उसके साइड साइड में कुछ इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग को लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसका क्या करेंगे डुप्लीकेट। ठीक है, तो यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर देंगे तो दो बटरफ्लाई आ जाएगा, यानी जितना बार कीजिएगा डुप्लीकेट उतना बटरफ्लाई बन के आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको भी एकदम कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, आप जहाँ पे भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर से इसको भी डुप्लीकेट कर देंगे तो ये फिर मतलब तीसरा भी आ जाएगा। तो उसके बाद इसको कुछ इस मतलब इसको सीधा कर देंगे, हाँ मतलब उल्टा कर देंगे, हाँ उसके बाद फिर से इसको इस साइड में एडजस्ट कर देंगे, हाँ उसके बाद फिर से इसको डुप्लीकेट कर देंगे तो चौथा तितली जो बटरफ्लाई है वो भी आ जाएगा, और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है भाई, और इतना कर लेने के बाद आप लोग क्या करना है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अभी आप लोग को डन नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग को साइड में क्लिक कर देना है कहीं पे, और साइड में क्लिक कर देने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है एड का, तो एड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से हम लाइट PNG को ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा लाइट PNG, तो सिंपली इस लाइट PNG को ले लेंगे, और लाइट PNG को लेने के बाद मतलब ऐड कर देना है, और ऐड कर देने के बाद आप लोग ध्यान से देखिए तो इसको ओपासिटी को कम कर देंगे। यहाँ पे 100 है तो इसको कर देंगे हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 50 या फिर 53 के राउंड कर देंगे, और इतना कर लेने के बाद आप लोग को नीचे ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाना है, और ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इसको कर देंगे यहाँ से स्किन। ठीक है, और स्किन करने के बाद बटरफ्लाई के ऊपर इसको लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे बटरफ्लाई के ऊपर रख देने के बाद आप लोग को यहाँ से कर देना है मूव डाउन। ठीक है, यहाँ पे 2-3 बार क्लिक करना है तो बटरफ्लाई के पीछे वो लाइट जो है ना वो लाइट PNG चला जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद इसको भी डुप्लीकेट कर लेना है, और मतलब लाइट को डुप्लीकेट करना है, और लाइट को डुप्लीकेट करने के बाद दूसरे बटरफ्लाई पर लगाएंगे, और यहाँ से भी इसको भी कर देंगे सेम मूव डाउन। ठीक है, तो बटरफ्लाई के पीछे चले जाएगा वो लाइट। ठीक है भाई, उसके बाद फिर से इसको भी डुप्लीकेट करना है, मतलब सेम काम करना है, और डुप्लीकेट करने के बाद इसको दूसरे वाले बटरफ्लाई पे लगा देंगे, और इसको भी कर देंगे मूव डाउन, और सेम काम फिर से करेंगे दूसरे बटरफ्लाई पर, तो यहाँ पर इस बटरफ्लाई पे भी रख के और मूव डाउन कर देंगे, और यहाँ पर मूव डाउन करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपली देख सकते हो यहाँ पे बटरफ्लाई का PNG एडजस्ट हो चुका है। ठीक है भाई, उसके बाद फिर से इसको कर देना है डन, तो यहाँ से इसको कर देंगे डन, और डन करने के बाद आप लोग देख सकते हो फोटो अभी बिफोर और आफ्टर यहाँ पे अभी कितना चेंजिंग हो चुका है फोटो में। उसके बाद फिर से आप लोग को एड फोटो वाले ऑप्शन पर जाना है, और एड फोटो वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ से एक और PNG को ले लेंगे जो कि ये PNG रहा, तो सिंपली इस PNG को ले लेंगे और इसको भी एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इस फोटो में, तो यहाँ पे इस PNG को ऐड करने के बाद आप लोग को इसको साइज को फुल साइज कर देना है, और इसको भी ओपासिटी को कर देंगे यहाँ पे 70 के राउंड। ठीक है, तो इतना रख कर देंगे, और इतना कर देने के बाद आप लोग को यहाँ पे ब्लेंड का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इसको भी कर देंगे स्किन। ठीक है,
और स्किन कर देने के बाद आप लोग को ऊपर इरेज का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और जो फेस पे रहेगा ना उसको हम इरेज कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो फेस पे ये लाइट टाइप का आ गया है, इसको हम यहाँ से इरेज कर देंगे सिर्फ फेस पे से, ठीक है। बाकी कपड़े पे रहने दीजिएगा और कपड़े पे अच्छा लगेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इतना कर देने के बाद आप लोग को डायरेक्ट कर देना है यहाँ से डन, और यहाँ पे डन कर देने के बाद आप लोग को फिर से कर देना है डन। और डन करने के बाद आप लोग को क्या करना है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे फिर से एड फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है, मतलब ज़्यादा काम एड फोटो का ही है यहाँ पे, ठीक है भाई। और यहाँ पे जाने के बाद फिर से लाइट को ले लेंगे, वही लाइट को, और लाइट को लेने के बाद फिर से ओपासिटी कर देंगे इसको हम 50 या फिर 52 के राउंड रख देंगे, ठीक है। तो 50 के राउंड रख दीजिएगा और यहाँ पे इसको ऊपर में लगा देंगे, ठीक है, ऊपर साइड में लगा देंगे, जैसे कि मानिए कि ऊपर से कोई रोशनी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना पे लगा देंगे, उसके बाद फिर से ब्लेंड मोड पे जाइएगा और यहाँ पे देख सकते हो स्किन मल्टीप्ले डार्केन लाइटेन ओवरले, और यहाँ पे कर देना है इसको एड, तो ठीक है। तो यहाँ पे एड वाले ऑप्शन पे रख देंगे और कुछ इस तरह से हल्का ही लाइट आना चाहिए नीचे और ऊपर की ओर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ से कर देना है डन, और डन करने के बाद इसमें छोटा सा एक काम और बाकी है जो कि फोटो को बहुत ही बेहतरीन बना देगा। तो यहाँ पे एडजस्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे कॉन्ट्रेस्ट कॉल का बढ़ा देंगे, ठीक है, कॉन्ट्रेस्ट कॉल का बढ़ा देंगे +20 के राउंड, और यहाँ पे सैचुरेशन को कर देंगे +14 के राउंड, हल्का हल्का बढ़ा देंगे। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ से कर देना है डन, ठीक है। तो बस इतना ही करना है, उसके बाद देख सकते हो आप लोग बिफोर और आफ्टर फोटो यहाँ पे कितना बेहतरीन तरीका से एडिट हो चुका है और कितना कम टाइम में। उसके बाद इस फोटो को सेव करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली सेव कर लेंगे तो गैलरी में एकदम बेहतरीन क्वालिटी में सेव हो जाएगा। तो फाइनली हमारा एडिट हो चुका है एकदम अच्छे तरह से कम्प्लीट। तो आशा करता हूँ आप लोग को एकदम अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अपने भाई को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार फोटो एडिट के साथ, तब तक के लिए बाय।